नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, लाडली बहना योजना, दोस्तों लाडली बहना योजना से रिलेटेड हर वीडियो से आप डेली अपडेट होते रहते हैं। जो भी कुछ छोटा सा बड़ा अपडेट आता है मैं आपको अवगत कराते रहता हूँ। मेरी प्लेलिस्ट और पूरा पॉडकास्ट बना हुआ है लाडली बहना योजना पर, तो उसमें आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों आज एक इसमें नया ऑप्शन जुड़ा है, हम उस ऑप्शन पर भी बात करेंगे, और द्वितीय चरण की रिपोर्ट हम किस तरह से देख सकें नए तरीके से, वो भी सारी चीज़ें मैं आज के इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो जो नया ऑप्शन जुड़ा है वो क्या जुड़ा है वो आप देखेंगे, और रिपोर्ट नए अंदाज में देखना आज के वीडियो में आप देखेंगे। तो चलिए पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को जो है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पोर्टल तो पता ही है, cmlaadlibehna.mp.gov.in, ठीक है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जैसे ही हम इस तरह से टाइप करते हैं गूगल सर्च या ब्राउज़र की URL में, तो इस तरह से होम पेज आ जाता है, ठीक है। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वेबसाइट की लिंक। तो दोस्तों ये आप हम सभी कार्य कर ही रहे हैं इसी पर। तो दोस्तों इसमें जो भी छोटे से बड़ा अपडेट आता है मैं आपको अवगत कराते रहता हूँ। तो जो दोस्तों अभी जो नया अपडेट आया वो बहुत काम का अपडेट है। दोस्तों इसमें एक नया ऑप्शन जुड़ गया, लाभ परित्याग, है ना। लाभ परित्याग मतलब जो महिलाएँ स्वेच्छा से लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो है स्वेच्छा से अपना लाभ परित्याग करना चाह रही, मतलब इस योजना के तहत 1000 रुपये प्राप्त नहीं करना चाह रही हैं और इस योजना से हटना चाह रही हैं, ठीक है। कई बार होता है दोस्तों कि मान लीजिए, अच्छा एक इसमें एक चीज़ तो यह अच्छी हो सकता है, यदि गलती से हमारे रजिस्ट्रेशन हो गए और हम अच्छी स्थिति में, अच्छे आर्थिक स्थिति में और रजिस्ट्रेशन हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप लाभ परित्याग पर क्लिक कर अपनी डिटेल डालकर लाभ परित्याग कर दें, अभी सही टाइम है। और या फिर ये भी हो सकता है कि हम अच्छी स्थिति में होते हैं, पूरी पात्रता की श्रेणी में भी आ रहे हों, लेकिन फिर भी कुछ ना हमें लगता है कि हम अच्छी स्थिति में हैं और गरीबों को लाभ मिलना चाहिए, हमें त्याग करना चाहिए जो 1000 रुपये हमें मिल रहे हैं प्रति माह 10 तारीख को। तो दोस्तों आप ये लाभ परित्याग वाला ऑप्शन जुड़ गया है, इससे आप कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो वो कैसे करना है वो मैं आज दिखा रहा हूँ, और मैं आपको थोड़ा सा रिपोर्ट भी देखना सिखाऊंगा कुछ नए तरीके से। अभी अभी जो हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं द्वितीय चरण में, वो किस तरह से कुछ नई तरीके से, वो भी सब दिखाने वाला हूँ। तो सब आप ध्यान से देखते रहिएगा। तो लाभ परित्याग दोस्तों बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन गवर्नमेंट ने अभी दे दिया है। मान लीजिए आपका गलती से रजिस्ट्रेशन हो गया है और आप अच्छी आर्थिक स्थिति में हैं, तो अभी अभी समय है लाभ परित्याग पर क्लिक कर आप इस योजना से जो है हट सकते हैं स्वेच्छा से, है ना। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, फिर जब जांच होती है तो फिर जांच में क्या होता है कि जितने पैसे डले हैं उसका ब्याज सहित वसूली होती है। आपने पुरानी योजनाओं में देखा होगा, PM किसान सम्मान निधि हुआ या कोई सी भी गवर्नमेंट योजना रहती है, तो यदि गलत रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं तो बाद में जांच में जब पता चलता है, क्योंकि आजकल सब लिंक है, आधार कार्ड समग्र ID सब लिंक है, तो पता चल जाता है, तो जब जाँच होती है तो फिर ब्याज सहित वसूली भी होती है। इसलिए अभी आपको लग रहा है कि आप अच्छी आर्थिक स्थिति में है, आपके पास ठीक ठाक रहन सहन का सब कुछ है, अच्छी आर्थिक स्थिति है आपकी, फाइनेंशियल कंडीशन है, तो आप लाभ परित्याग जरूर करें दोस्तों, जिससे कि पैसा जो है सही तरीके से जो गरीब महिलाएं उन तक पहुंच सके, ठीक है। तो लाभ परित्याग पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो लाभ परित्याग पर क्लिक करने का दोस्तों इस तरह से ऑप्शन आएगा, लाभ परित्याग का लाडली बहना आवेदन क्रमांक सदस्य समग्र क्रमांक। आपको यहाँ पर लाडली बहना का आवेदन क्रमांक डालना है, या जो सदस्य समग्र क्रमांक आपका है नोंको की समग्र ID मेंबर ID वो डालना है। इसके बाद एक कैप्चा कोड लिखना है, OTP भेजे पर क्लिक करना है, जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कराया उसे OTP आएगा, कृपया OTP प्रविष्ट करना है यहाँ पर, फिर यहाँ क्लिक करना है, ये चेकबॉक्स दिख रहा है यहाँ क्लिक करना है, मैं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 में पात्र हितग्राही हूँ, मैं स्वेच्छा से इस योजना में प्राप्त होने वाली मासिक आर्थिक सहायता राशि का परित्याग करना चाहती हूँ। ये पूरा दोस्तों आपका जो है घोषणा होगी यहाँ से, यहाँ क्लियर लिखा है कि मैं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 में पात्र हितग्राही हूँ। यदि आपका रजिस्ट्रेशन है तो मतलब आप पात्र हो गए, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि मुझे लाभ परित्याग करना चाहिए, तो यहाँ लिखा है कि मैं स्वेच्छा से इस योजना में प्राप्त होने वाली मासिक आर्थिक सहायता जो कि 1000 रुपये की है राशि का परित्याग करना चाहता हूँ, और सुरक्षित करें पर क्लिक कर दें, ठीक है। तो आपको मैसेज भी प्राप्त हो जाएगा, और
आगे की प्रक्रिया भी हो जाएगी और आपका नाम यहाँ से जो है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से हट जाएगा। ठीक है, तो आगे किसी तरह की दिक्कत ना हो तो उसके लिए दोस्तों आप लाभ परित्याग का ऑप्शन आ गया है तो इसका यूज़ ज़रूर कर लें। और जो स्वेच्छा से और भी महिलाएं जो करना चाहती हैं ज़रूर कर सकती हैं, जिससे कि जो भी सही जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, जिनके लिए योजना सही तरीके से लॉन्च हुई है तो उनको फ़ायदा प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये दोस्तों स्वेच्छा वाला काम है। इसमें मैं भी यही कहूँगा कि आपकी स्वेच्छा है तो यह कार्य करें, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन स्वेच्छा है, स्वेच्छा से आप करना चाहें तो आप बिल्कुल करें। आपकी फिर बाद में रिपोर्ट भी दिखेगी इन लोगों ने स्वेच्छा से जो है लाभ परित्याग किया है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, तो आप देख लें। चलिए, तो लाभ परित्याग वाला ऑप्शन आपको मैंने बता दिया। हम मुख्य पृष्ठ पर फिर से चलते हैं। अब मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा कि रिपोर्ट कुछ नए अंदाज में हम किस तरह से देखेंगे ग्राम पंचायत वाइज। तो विभागीय लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसका दोस्तों विभागीय यूज़र लॉगिन में हमें कहाँ क्लिक कर, तो विभागीय यूज़र लॉगिन आ जाएगा दोस्तों। तो हमें क्या करना है, ये अन्य यूज़र वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कृपया चुने में आप सीधे नीचे आ जाएं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, जनपद पंचायत, इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इसके बाद आप आपके ग्राम पंचायत के ही यूज़र नेम पासवर्ड डाल सकते हैं, जो समग्र आईडी में है वही वाले, और यहाँ पर कैप्चा कोड लिख दें। तो दोस्तों हमें अन्य यूज़र पर क्लिक कर यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेना है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, जन पंचायत, ग्राम पंचायत के ही यूज़र नेम पासवर्ड डालना है, समग्र आईडी वाले ही या लाडली बहना जो बनाए वो, और यहाँ पर ये कैप्चा कोड डालना है ना। इसके डालने के बाद हमें लॉगिन करें पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक कर देंगे दोस्तों तो हमारे समक्ष कुछ इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। अब ये जो आवेदन की स्थिति यहाँ दिखा रहे हैं ये योग है, प्रथम चरण वाला भी और द्वितीय चरण वाला भी, कुल प्राप्त आवेदन, कुल पात्र महिलाएं, सारी चीज़ें दिखेंगी यहाँ पर, है ना, जितनी पेंशनधारी महिलाएं कितनी हैं, ठीक है, कुल मृत महिलाओं की संख्या, कुल बैंक आधार लिंक कितने हैं, तो जैसे 98.77%, मतलब अब बहुत अच्छी स्थिति में आ गए हैं, पहले बहुत कम रहता था तो वो भी अच्छा है। डीबीटी सक्रिय भी अब बहुत अच्छी स्थिति में है, 98.58%, मतलब बहुत अच्छा अब हो गया है, धीरे धीरे सब ने करवा लिया है। अधिकारी कर्मचारी गण का भी सहयोग रहा है और आम नागरिक का भी तो हो गया है। पर्टिकुलर आप द्वितीय चरण वाइज भी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ क्लिक कर, है ना, पूरा द्वितीय चरण में कितने अभी तक प्राप्त आवेदन, ये आपकी जनपद वाइज रहेगा, तो ये पूरे आप देख सकते हैं इस तरह से पूरी रिपोर्ट को, है ना। अब दोस्तों इसमें यह भी अच्छा आ रहा है कि जैसे ही आप द्वितीय चरण पर जाएंगे तो ये पेंशनधारी महिलाएं सब तो आ ही रही हैं, तो यहाँ पर यह भी आएगा 21 एवं 22 वर्ष की महिलाओं के प्राप्त आवेदन की संख्या, ठीक है, तो ये अलग दिखेगी। 23 से 60 वर्ष की महिलाओं के प्राप्त आवेदन, जो पूर्व में चार पहिया वाहन कारण अपात्र हो गई थी उनके आवेदन भी दिखेंगे। 23 से 60 वर्ष की महिलाओं के प्राप्त नए आवेदन की संख्या कितनी है वो दिखेगी। तो दोस्तों में 23 से 60 वर्ष की महिलाओं के प्राप्त नए आवेदन की संख्या ये भी आ जाएगी। अभी मैं ग्राम पंचायत वाइज भी दिखा रहा हूँ, ये पूरे जनपद वाइज रहेगी। सामाजिक सुरक्षा से प्राप्त पेंशन पर प्राप्त महिला द्वारा हामी हाँ में, है ना, तो हाँ में ये है, सामाजिक सुरक्षा से प्राप्त पेंशन पर प्राप्त महिला द्वारा हामी नहीं में, है ना, कुछ जो प्राप्त पेंशन कर रही है लेकिन उन्हें नहीं में भरा है तो वो भी यहाँ पर दिखेगा। सारी चीज़ें दोस्तों रिपोर्ट दिखेगी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑनलाइन रिपोर्ट पूरी है तो सब दिखेगी यहाँ पर। इसी तरह दोस्तों अब हम रिपोर्ट वाले सेक्शन पर जाते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं। रिपोर्ट में अच्छा कुछ नया तरीके से अब दिखेगी तो वो दिखा देता हूँ मैं आपको। पंजीकृत आवेदन रिपोर्ट, ग्राम पंचायत जोन पंजीयन रिपोर्ट, इसी पर हम क्लिक करते हैं। इसमें अब हम द्वितीय चरण के रिपोर्ट देखेंगे। तो ये आवेदन की स्थिति आएगी, आप प्रथम चरण देख सकते हैं, द्वितीय चरण या योग। तो चलिए अभी हमें ज़रूरी सबसे ज़्यादा क्या है, द्वितीय चरण, जो 25/7/2023 से हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं नए वाले पार्ट टू में। ग्राम पंचायत जोन आप सेलेक्ट कर लें, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेलेक्ट कर लेंगे तो प्रॉपर वही पंचायत का दिखेगा। क्षेत्र का प्रकार अर्बन है, शहरी है या रूरल ग्रामीण, तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, सीधे खोजे पर भी क्लिक कर देंगे। ये देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें क्या होगा, सीधे आप खोजे पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपकी पूरी जनपद का डाटा आ जाएगा, है ना। ये देखिए पूरी ग्राम पंचायत यहाँ से देखेंगी, क्रमांक संख्या, संभाग, जिला, स्थानीय निकाय, है ना, ग्राम पंचायत जोन, 21 से 22 वर्ष की महिलाओं की संख्या, 23 से 60 वर्ष की महिलाओं की संख्या, पूर्व में जो चार पहिया वाहन कारण अपात्र पाई गई थी, 23 से 60 वर्ष की महिलाओं की संख्या, नवीन आवेदन जो आए हैं, है ना, हर किसी ग्राम पंचायत में आए हैं, किसी में नहीं आए हैं, सब अलग अलग दिखेगा। महिलाओं की संख्या, जिनके परिवार में ट्रैक्टर है वो दिखेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी महिलाओं की संख्या, आवेदन से प्राप्त जानकारी, तो ये आ जाएगा।
ना, इसी प्रकार से कुल पंजीयन, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत वाइज आप यहाँ से देख सकते हैं पूरे जनपद में इस तरह से डाटा आ जाएगा, तो पूरे एक एक ग्राम पंचायत वाइज आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ से आप आगे भी बढ़ सकते हैं, दूसरा तीसरा जितने भी आखिरी तक हैं पूरी पंचायत है सबका आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। टूल टोटल भी दिख जाएगा, है ना, यहाँ टोटल भी आप देख सकते हैं आसानी से, तो टोटल संख्या भी यहाँ पर दिख जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको पर्टिकुलर किसी ग्राम पंचायत वाइज देखना सिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों एक बात और बता देता हूँ, ये पूरी लिस्ट आप जो है प्रिंट कर सकते हैं, डायरेक्ट पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी, आप डेली अपडेटेड होती है रिपोर्ट, तो आप पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, एक्सेल फॉर्मेट में, सीएसवी कॉपी भी कर सकते हैं। तो पीडीएफ चूंकि हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक्सेल ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इनको सेव करके रख लें, इसी से हम प्रिंट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कार्य हम कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं पंचायत वाइज आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ, आपको क्या करना है, यहाँ सीधे पंचायत जो दिख रही है इस पर क्लिक करना है। ये मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, जैसे ही क्लिक करेंगे ना दोस्तों तो वापस से आपको इस तरह से पेज दिखने लगेगा दिनांक से। तो यहाँ 25 बीच में है, तो 25/7/2023 से दिनांक तक, आज का दिनांक है 8/4/2023। इसमें दोस्तों पहले दिखता है मंथ, फिर डेट दिखती है ना, तो 25/7/2023 से 4/8/2023, आज 4 अगस्त तक देखने जा रहे हैं हम कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो हम सीधे खोजे पर क्लिक करेंगे, आप अलग से भी सेट कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक कर, यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है आपका वो भी कैलेंडर भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी चूँकि हम वही रखना चाह रहे हैं 25 जुलाई वाला ही, तो 25/7/2023 से द्वितीय चरण चूँकि शुरू हुआ था और आज तक, तो खोजे पर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जिस पंचायत में क्लिक किया उसका आ गया क्रमांक संख्या, संभाग, जिला, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, जोन आ गया, ग्राम वार्ड। इसके बाद कुल पंजीयन जैसे 38 हो गए, 38 आवेदन हो गए, तो ये यहाँ पर देखने लगेंगे। इसके बाद इस भी रिपोर्ट को आप प्रिंट कर सकते हैं, पीडीएफ, एक्सेल, सीएसवी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप सेव करके रख सकते हैं, डेली अपडेटेड होती है दोस्तों ये लिस्ट। अब दोस्तों हम डिटेल में रिपोर्ट देखते हैं कि 38 जो पंजीयन हुए वो कौन कौन से हुए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राम वार्ड यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से इस तरह से ला देगा ये आवेदित पंजीयन सूची होम पेज पर। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक बार फिर से खोजे पर क्लिक करना है बिना कुछ यहाँ पर सेलेक्ट करे हुए। तो दोस्तों अभी जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसमें 25/3 से जाएगा, 25 मार्च 2023 से जब योजना शुरू हुई थी पहला चरण भी आएगा और द्वितीय चरण भी 8/4/2023 तक, मतलब सभी के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन की डिटेल पूरी आ जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, चूँकि द्वितीय चरण का देखना, तो यहाँ से तारीख चेंज करना पड़ेगा, यहाँ हमें 25/7/2023 करना पड़ेगा। तो अभी अभी के जो हमें रिकॉर्ड प्राप्त होंगे हम इसको एक्सेल फॉर्मेट में सेव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ डेट चेंज कर ली है कैलेंडर से 25/7/2023 से 4/8/2023 तक। तो अब इसमें अभी जैसे 38 रजिस्ट्रेशन हुए इस पंचायत में, तो वही दिखेंगे और एक्सेल फॉर्मेट में हम सेव भी कर सकते हैं, डेली अपडेट होते हैं। ईकेवाईसी की स्थिति, आधार लिंकिंग स्थिति, डीबीटी की स्थिति सब दिखेगी यहाँ पर, व्यू करके पूरी पावती भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं स्क्रॉल करके और नीचे तक भी दिखा लेता हूँ, पंजीयन दिनांक भी दिखेगा यहाँ पर। ये देखिए ऐसे एक रो में 25 दिखेंगे, सेकेंड पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए दोस्तों ऐसे 38 रजिस्ट्रेशन हुए हैं अभी सेकेंड राउंड में, तो 38 वो पूरे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ आप एक्सेल फॉर्मेट डाउनलोड कर लें, तो इसमें जो द्वितीय चरण में जो हमने रजिस्ट्रेशन करें वही यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से डाउनलोड भी हो जाएगी पूरी जो है सूची। तो इसमें जिनके डीबीटी सक्रिय नहीं है उनके तुरंत आप, जहाँ निष्क्रिय लिखा है या उपलब्ध नहीं है, आधार लिंक नहीं है, तो जल्दी जल्दी करवा लें, क्योंकि अब इनकी भी पहली किस्त जो है 10 सितंबर 2023 को डल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से डाउनलोड हम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ देखी, एक तो ये रिपोर्ट पूरी देखी किस तरह से हम नई द्वितीय चरण की पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं, और दूसरी दोस्तों ने मेन पेज पर जो देखा लाभ परित्याग का जो ऑप्शन आया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ही काम का ऑप्शन है दोस्तों, आगे कोई परेशानी नहीं है उसको देखते हुए है ये, तो इसका भी यूज़ कर आप अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछिए, और सब इन सब जानकारी के लिए आप मेरे साथ बने जरूरी, आपको पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। और दोस्तों आप कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं स्वेच्छा से, तो ज्वाइन बटन या सुपर थैंक्स के जरिए UPI के माध्यम से कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।